गाइस कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू आवर व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम कर लेते हैं पूजा, क्योंकि नहा धोकर मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार कि आज के पापा को ऑफिस जाना है। तो वो भी बस तैयार हो ही रहे हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, मैं मंदिर हो आती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं मंदिर चली जाती हूँ, फिर ना लेट हो जाता है क्योंकि दिन भर में इतने काम होते हैं। फिर शाम को कई बार ऐसा होता है कि क्यांश सो रहा होता है, या कई बार वो उठा हुआ होता है तो वो ना मुझे जाने ही नहीं देता है, या फिर मैं उसको साथ में लेकर जाऊँ तभी मैं मंदिर जा सकती हूँ। तो इसीलिए मैं दिन में ही मंदिर होकर आ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम मंदिर की थाली को वॉश करेंगे। मैं मंदिर की थाली को डेली वॉश करती हूँ भी, अगर मतलब मुझे पता है कि आप सभी करते होंगे ऐसा, लेकिन अगर कोई भी ऐसा है कि जो मंदिर की थाली को या दिए को डेली वॉश नहीं करता है तो प्लीज़ डेली कीजिए, क्योंकि हमारे खाने के बर्तन को हम डेली वॉश करके तभी यूज़ करते हैं ना। तो ये तो हमारे भगवान जी है, ये तो हमसे भी ज़्यादा पवित्र हैं, तो उन्हें तो साफ़ सफाई हमसे भी ज़्यादा चाहिए। तो डेली अपने मंदिर के बर्तनों को धोएँ, चाहे आप दिया यूज़ करते हैं, प्लेट यूज़ करते हैं, घंटी यूज़ करते हैं, जितने भी चीज़ें आप मंदिर में यूज़ करते हैं पूजा के लिए, आप डेली वॉश करें एंड तभी मंदिर में रखें। एंड सेकंड थिंग, आप मंदिर में आसन ज़रूर रखें, कोई भी कपड़ा आप रख सकते हैं आसन के लिए, आप आसन के बिना ना बैठें। मैंने कहीं पर पढ़ा था एंड जब मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ भी अंकल ने बताया था कि आसन के बिना कभी भी पूजा नहीं होती है, पूजा मानी नहीं जाती है जब तक आप आसन पर नहीं बैठते हो। तो नीचे बैठ के कभी भी अपनी पूजा ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पाठ करते हैं, जैसे कि कोई शिव चालीसा करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं, तो वो पाठ बिना उसके आसन के संपन्न नहीं होता है। इसलिए हमेशा आसन पर बैठकर ही करें और अपने मंदिर को डेली साफ करें, क्योंकि साफ सफाई, अगर आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, घर में साफ सफाई चाहिए, तो मंदिर में भी पूजा करने से पहले आपको डेली साफ सफाई करनी है। मंदिर में हो गई है साफ सफाई भी और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और एक और जरूरी बात आप लोगों को बतानी थी, मैं वो बता देती हूँ। अगर आप गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के फॉलोअर हैं आप, तो आप सब अगर गुरुजी को टीका लगाते हैं, पहले तो आप गुरुजी को चंदन का टीका लगाएं, क्योंकि गुरुजी को चंदन का टीका ही पसंद है। और अगर आप चंदन का टीका गुरुजी को लगाते हैं तो डेली उस चंदन के टीके को साफ करें। इस तरीके से मैं हर दिन चंदन के टीके को गुरुजी के इस फिंगर से लगाते हैं एंड मैं डेली साफ करती हूँ। कोई भी आप हैंकी ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं एंड हर दिन गुरुजी को नया चंदन का टीका लगाएं। जो छूटा हुआ चंदन का टीका होगा वो आप खुद को यूज करें। अगर आप किसी कपड़े की हेल्प से करते हैं तो उस कपड़े को अपने नहाने के पानी में यूज कर ले, या फिर आप अपने हैंड से ही अगर उसे क्लीन करते हैं तो पूरी बॉडी पे, जैसे कई लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को और मैं आज क्या हो रही हाँ, तो मैं होकर के आ गई हूँ मंदिर। और मैं जो आप लोगों को बता रही थी वो सत्संग के, जो गुरुजी का टीका लगाने से क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना एलर्जी हो गई थी इस हैंड पे, पूरे हाथ में एलर्जी हो गई थी। मतलब आई कॉन्ट टेल यू इन वर्ड्स के वो कैसी एलर्जी थी, कि मेरा हाथ देख के मैं ऐसे होती थी। और उस टाइम पे कोरोना टाइम था, तो फिर मैं घर पे ही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और घर वाले कह रहे थे शादी के लिए, तो मुझे यही लगता था कि यार शादी करोगे ऐसे गंदे से हाथ वाली लड़की से, कौन शादी करेगा, कोई भी हाथ देखेगा तो वही मना कर देगा, मुझे यही लगता था। लेकिन फिर अचानक ना मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही, मतलब गर्मियों का टाइम ही था, तो मुझे टाइफाइड हो गया था।
फिर उस टाइम पे मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाया, मतलब आप मानेंगे नहीं, दिल्ली गुड़गांव में मैंने जितने डॉक्टर्स थे एलर्जी के जो भी होते हैं सभी को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब सभी को दिखा लिया था मैंने, डर्मेटोलॉजिस्ट को, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। सब लोग यही कहते थे कि आप पानी में हाथ मत डालना, नहीं तो आपको एलर्जी बार बार होती रहेगी, आप सनलाइट में डायरेक्ट मत जाना, नहीं तो आपको एलर्जी बार बार होती रहेगी। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना कि आप सनलाइट से भी नहीं बच सकते हैं एंड पानी में हाथ तो आपको डालना ही पड़ेगा, दिन में चाहे दो बार तीन बार तो आप पानी का काम करोगे ही ना। तो उस चक्कर में एलर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी, बहुत दवाइयां खाई, बहुत सारी चीजें, क्रीम सब कुछ लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा होता फिर उसके बाद एलर्जी फिर से हो जाती। तो मेरे मन में आया, मैंने गुरुजी का सत्संग सुना एंड मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी गुरुजी का टीका लगाऊं अपने हाथ पे, तो मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मन में एक विश्वास था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे एंड मैंने लगाना स्टार्ट किया एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर मेरी एलर्जी कहाँ चली गई मुझे खुद भी नहीं पता है। अगर आपके पास जल प्रसाद है तो आप जल प्रसाद लगा सकते हैं, टीका लगाएंगे और जल प्रसाद लगाएंगे दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। आज आप देख लो मेरे हाथ पे कहीं कोई एलर्जी नहीं है, कोई मुझे कह भी नहीं सकता कि मेरे हाथ पे कभी कोई एलर्जी थी भी। 7 से 8 दिन में मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक कर दी थी मेरे गुरुजी महाराज ने। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लगा सकते हैं गुरुजी का टीका और गुरुजी का जल प्रसाद, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी तबियत नहीं ठीक है, बच्चे की तबियत नहीं ठीक है। मेरे के आंश की जब भी तबियत खराब होती है तो मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, उसको जल प्रसाद पिला देती हूँ और उसको जल प्रसाद ऐसे फोरहेड पे लगा देती हूँ तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। तो ये तो आज मैंने बताया अपने गुरुजी के बारे में। अगर आप गुरु संगत हैं, गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज ये इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। वैसे गुरु संगत को सारी चीजें पता होती हैं। तो चलिए अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। कैंश के पापा चले गए हैं, चाय पी ली है उन्होंने, ब्रेड खा लिए हैं और बस अब मैं भी, कैंश मेरा सोया हुआ है, मैं भी चाय पी लेती हूँ। कहाँ है बुल? अरे वाह, बुल है भाई, बुल ये बुल है। और बताओ क्या क्या है इसके अंदर? ये बुफेलो है। हाँ, और क्या है? ये क्या है? बफेलो है। हाँ, अच्छा ये बफेलो है। अच्छा और भी? इससे क्या है ये? हनी भी। इससे डरते नहीं है? इससे डरते नहीं है? ओ देखो इसमें पिजन का है, पिजन पिजन नहीं है। जल्दी देखो पिजन, देखो कहाँ है, क्या हो गया हैंड में आपके? हैंड में क्या हो गया बेबी के, बता दो। इधर क्या लग गया आपके? तो बस हाँ, नहीं बेटा बुक्स नहीं फाड़ते। तो यहाँ ना कैमरा सेट हो जाता है और बस अभी ना मैं सारा काम निपटा के मैंने सोचा कि आंश को ना कुछ खिला देती हूँ लंच करा के और बस अब इसको सुला दूंगी। 2:30 बज गए। बच्चे नहीं बुक्स फाड़ते, ये देखो ये वाली बुक भी आंश फाड़ चुका है, ये टुकड़े कर दिए उसके। मतलब इसको ना बुक्स हमेशा, इसकी बुक्स जब से आई है ना, 6 मंथ्स का था ये तब से इसकी बुक्स मैंने ही मंगा ली थी और तब से और अभी तक ये लड़का ना अपनी बुक्स के एक एक पेपर फाड़ देता। ये वाली बची हुई थी अभी, ये ना 24 बुक्स का सेट था तो उसमें से कुछ मैंने अलग रख दी थी, वो तो बची हुई है। जो इसके बैग में मैंने रखी हुई थी वो सारी की सारी बुक्स ये फाड़ चुका है। तो अभी तो ये तो फिर भी ठीक है, किसी के तो पेपर बिल्कुल आधे गायब हैं, किसी के एक दो पेपर बचा हुआ है। क्यांश क्या किया आपने? बुल को फल दिया। हाँ। अच्छा क्यों क्यों फल दिया? टुटू हो गई। हाँ टुटू हो गई। हाँ। अच्छा मैं बस अभी सोच रही थी कि आंच को सुलाने के लिए अभी इसको सुला देती हूँ कुछ खिला पिला कर। और ऐसे तो अब कोई काम है नहीं, डिनर तक का काम मैंने निपटा दिया है, सब्जी बन चुकी है एंड बस आटा लगाना होगा शाम को, तो बस आटा लगा के एंड बड़े पापा जी अभी जो भी बोलेंगे, जो भी दलिया या खिचड़ी की आंश और बड़े पापा जी के लिए बना दूंगी शाम के लिए।
क्योंकि बड़े पापा जी सूखी सब्जी नहीं खा पाते, या तो वो रायता खाते हैं या फिर कोई भी दलिया दाल जो भी बोलेंगे मैं उनसे पूछ के बना दूंगी। अभी ना मतलब रात में हम मूवी देख रहे थे, चमकीला हमने देखी थी रात को, तो देखते देखते ना 1 बज गया था और फिर क्यांश भी सोने वाला, तो एक बार हमारी मूवी ख़त्म होगी फिर उसके बाद कहाँ ये जल्दी से सोने वाला होता है, तो सोने में ही हमें 1:30 बज गया था। फिर उसके बाद तो बस मुझे सुबह जल्दी भी उठना था लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, फिर भी पता होता है कि इन्होंने ऑफिस जाना है तो उठते हैं हिम्मत करके। फिर मैं उठ के तैयार होके, आपने देखा ही कि मैं मंदिर चली गई थी एंड तब से ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया था। हाँ बंद हो गया, तो बस अभी देख रही हूँ थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी और बाकी अभी तो बहुत सारी वीडियोस की एडिटिंग बची हुई है वो भी करनी है एंड बहुत सारा काम बचा हुआ है। 1-2 वीडियोस और मैं सोच रही हूँ नई मैं कुछ लेकर के आई हूँ तो वो बनाई हुई है उनको भी बनाना है, आधी रह गई है वो भी बीच में कंप्लीट करनी है। तो बस आज इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल सुबह एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।